हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सरिका के वीडियोस में आपका स्वागत है। तो गाइस, आज हम बना रहे हैं ब्रेड से एक बहुत ही यम्मी सी रेसिपी, जो आप अपने बच्चे के टिफिन में भी दे सकते हो या नाश्ते में बना सकते हो और अपने मेहमानों को भी खिला सकते हो। तो गाइस, यहाँ हमने ले ली है कुछ सारी सब्जी, कुकुम्बर, फिर कैरोट और टमाटो, प्याज काट ली, एक मिर्ची ली है। सारी चीज़ों को छोटे छोटे पीसेस में एकदम पतले पतले स्लाइसेस में कट कर लिया है। ब्रेड को भी हमने बीच से कट कर लिया है, और अगर आप बड़ा वाला ब्रेड लाओ तो आप ग्लास की मदद से भी कट कर सकते हो। तो छोटा वाला ब्रेड लाया था मैंने, तो इसीलिए मैंने चाकू से बीच में स्क्वायर साइज में कट लगा लिया है, और सब्जियों को बहुत ही छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। और यहाँ पे हम देने वाले हैं एक अंडा, तो यहाँ से हमने अंडे को ऐड कर दिया है। अभी सारी चीज़ों को अच्छे से आपको मिक्स करना है, और वहाँ पे थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी नमक और थोड़ी सी लाल मिर्च ऐड कर दिया हमने स्वाद के लिए। एंड उसके बाद अच्छे से इसे हम जो है मिक्स कर लेंगे। इस तरीके से आपको एकदम मिक्स कर लेना है, और इसके बाद हमारी जो ये पेस्ट है, मिश्रण बनकर है रेडी। अभी हमने तवा बिठा दिया है, तवा को गर्म होने देंगे। तो यहाँ गैस हमारी तवा गर्म हो गई है, यहाँ पे हमने घी लिया है, आप रिफाइन ऑयल भी ले सकते हो। फिर घी को तवा के पूरे चारों तरफ हम इस तरीके से घुमा देंगे ताकि घी जो है चारों तरफ लग जाए। और इसके बाद यहाँ पे हम कटे हुए ब्रेड को इस तरीके से आपको रख देना है। और यहाँ पे हमने जो मिक्सचर बनाया था सब्जी और एग का, उसे हम लोग यहाँ पे ऐड कर देंगे। आप अपने हिसाब से सब्जी यहाँ पे दे सकते हो, आपको जो भी सब्जी अच्छी लगे आप यहाँ पे दे सकते हो। मेरे पास जो भी था हमने दे दिया। फिर इसको इस तरीके से आपको बीच में, ब्रेड के बीच में सब्जियों को इसको रखना है इस तरीके से, और गैस की फ्लेम को आपको रखना है मीडियम या लो फ्लेम में। और आप, अगर आपको चीज़ पसंद है तो आप इसे इसके स्लाइसेस भी एक रख सकते हो, तब तो ये और भी स्वादिष्ट बनने वाली है। तो हमें सीज नहीं मिला तो इसलिए मैं नहीं दे रही हूँ। फिर कटे हुए ब्रेड के स्लाइसेस को इस तरीके से ऊपर रख देना है आपको। दोनों तरफ से ब्रेड को अच्छे से हम लोग सेक लेंगे। आप देख सकते हो एक साइड से पूरा ब्रेड पक गया है, तो नेक्स्ट वाला साइड हम लोग इससे भी पका लेंगे। एकदम यम्मी सा, फ्लफी सा ये जो ब्रेड है रेसिपी बन के रेडी होता है, जो आपके बच्चे को तो बहुत ही अच्छी लगने वाली है। एक बार आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो दोनों तरफ से हमारी ब्रेड पक गई है, इस तरीके से हम लोग एक प्लेट में बर्तन में निकाल लेंगे। तो गाइस, अगर आप मेरे चैनल में न्यू हो तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा और आप कहाँ से वॉच कर रहे हो। और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। इस तरीके से हम सारे ब्रेड को जो है बना लेंगे। और गाइस, अगर आपके घर में मेहमान आए और आपको क्या बनाए ऐसा लगता है ना कि आप क्या ही बनाएं, तो फिर आपके घर में अगर ब्रेड हो, कुछ भी सब्जियां हो, बस सब्जी, अंडे और उसे पेज बनाओ, और इस तरीके से ब्रेड जो है बना के आप चाय के साथ दे सकते हो। आपके मेहमान भी इसे बहुत ही ज़्यादा पसंद करने वाले हैं, तो या फिर इवनिंग स्नैक्स में आप इसे यूज़ कर सकते हो, या बच्चों के टिफ़िन में भी दे सकते हो। देख रहे हो कितने ही अच्छे ये जो ब्रेड है बन के रेडी हुए हैं, और बनाने में भी इसको एकदम ही टाइम नहीं लगता गाइस। बस झटपट 5 मिनट में आपकी ये जो रेसिपी है रेडी हो जाती है, या फिर आप इसे नाश्ते में भी यूज़ कर सकते हो। किसी किसी लोगों का ऐसा होता है कि हर दिन रोटी वगैरह खाने का मन नहीं करता, तो आप इसे भी नाश्ते में बना सकते हो। तो गाइस, बहुत लोग ब्रेड एंड जैम या बटर खाते हैं, तो ऐसे भी आप बना सकते हो। बहुत ज़्यादा ऑयली भी नहीं है, और खाने में भी बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। और बच्चे हो या बूढ़े, घर में सब लोग एकदम पेट भर के खाएंगे, और आप भी एक बार खाओगे तो बार बार इसे बनाने का मन करेगा। इतना ही सॉफ्ट होता है, क्या ही बताएं। तो चलिए इसे हम आपको तोड़ के भी दिखाते हैं। एकदम सॉफ्ट बनता है और खाने में भी बहुत ही टेस्ट आता है। चीज़ वगैरह दे दोगे तो और भी शायद आपको अच्छा लगेगा, या फिर आप बटर भी दे सकते हो। तो देखिए,
एकदम सॉफ्ट और एकदम टेस्ट। और यहाँ पे हमने एक टोमेटो केचप ले लिया है, तो केचप के साथ भी आप इसे खा सकते हो। और ये यम्मी रेसिपी एक बार ज़रूर बनाएगा। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए।